सीएम योगी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने जमकर साधा निशाना। पूर्व विधायक बाबा दुबे ने छोड़ी सपा पार्टी। जौनपुर के बदलापुर विधानसभा से थे सपा विधायक। रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रबुद्ध सम्मेलन में लिया भाग। ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश फारूक अब्दुल्ला पर कसा तंज। कहा सियासी लोग मुसलमानों को डरा रहे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते रोजाना नए मुद्दे खड़े हो रहे हैं। सियासी दलों से जुड़े लोग मुसलमानों को डराने में लगे हुए हैं। इसमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं। मौलाना ने कहा कि ये दोनों नेता अपनी चुनावी सभाओं में मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला और सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी चुनावी सभाओं में बार बार मुसलमानों को डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, संविधान खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत में मुसलमान न कभी खतरे में था, न आज खतरे में है और न भविष्य में आने वाले दिनों में मुसलमान खतरे में होगा। मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को कोई खतरा लाहिक नहीं है और यहाँ के संविधान को भी कोई खतरा नहीं है। यहाँ का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया मजबूत संविधान है, इसकी बुनियादें मजबूत हैं। हमीरपुर मुख्यालय का महिला थाना आज उस वक्त ढोल नगाड़ों से गूंज उठा जब यहां शादी से पहले ही टूट चुके रिश्ते को एक बार फिर राजी खुशी से शादी करने को तैयार किया गया। दरअसल युवती के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी शादी घाटमपुर के गांव के रहने वाले युवक के साथ तय हुई थी, लेकिन अचानक उनको संदेश मिला कि वरपक्ष बारात लेकर नहीं आएगा। इस बात से परेशान होकर युवती परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची। वहीं जब पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लिया तो वर पक्ष को भी थाने में तलब किया तो पता चला कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ता तय कराने वाला ही कुछ गलतफहमियां पैदा करके इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। वहीं गलतफहमियां दूर हो जाने के फौरन बाद ही महिला थाने में दोनों की शादी संपन्न कराई गई। जो मेडिएटर के बीच में पिछवानी होते हैं उनसे जो है थोड़ी सा और उसी की वजह से कुछ गलतफहमी हो गई जिसकी वजह से लड़की बच्चे ने आके यहां पे प्रार्थना पत्र तो इन दोनों को जो है बुलाया गया और दोनों से सारी चीजें पूछी गई तो बाद में यही हुआ कि वो इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वही जो है तीसरा व्यक्ति का था। इस वजह से इन दोनों से को जो काउंसलिंग के द्वारा समझौता करवाया गया, हम सभी लोगों ने मिलकर करवाया और अंततः इनके दोनों परिवार वाले राजी हो गए कि हम शादी नहीं सिखा। इसकी ये वजह रही कि इन हरदोई में पति से मिलने आई प्रेमिका की बीच सड़क पर ही पत्नी और बेटी ने पिटाई कर दी। दरअसल प्रेमिका प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंची थी। इस दौरान प्रेमिका को सामने देखकर पत्नी और बेटियां आग बबूला हो गई और सड़क पर ही उन्होंने प्रेमिका की पिटाई करना शुरू कर दिया। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति समेत दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं पिटाई का वीडियो लोगों ने बराबर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक परिचित महिला थी और उस महिला के और उनकी बेटी और उनकी पत्नी के साथ वाद विवाद एवं मारपीट की घटना घटित हुई है। स्थानीय पुलिस द्वारा इसमें जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे घर में 2.5 साल से हमको अपनी शादी का झांसा देकर रह रहे थे हमारे साथ। इनको लेकर हमारे हस्बैंड आ नहीं रहे हैं घर पर, उसी को लेते चलते 2.5 साल से हमारे घर में कंटिन्यू रह रहे थे। सब कुछ एटीएम अकाउंट खाता प्लाट मतलब सारे कुछ इनको मेरे घर के बारे में जानकारी है। उसके बावजूद में जब इन्होंने मतलब मेरे साथ 420 की अपनी पत्नी के पास भी जाते रहे, मुझे भी धोखा देते रहे, तब हमने इनको अपने घर में रहने से इनकार कर दिया।
तब इन्होंने मुझे जो है जान से मार देने की धमकी देते हैं। वो कहते हैं जबरदस्ती मेरे घर में नहीं रहोगी, तुम्हारा पैसा देवर कागज कुछ नहीं दूंगा। इसी कारण मैं इनके दुकान के सामने मेरा चश्मा पड़ा था, मैं चश्मा लेने गई और इनके घर की औरत आई, उन्होंने चट से बस मारतोड़ शुरू हो गई और उन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया। कह रहे तुम्हारी औकात नहीं है जो आप चांदी रोड की मतलब रोड से आप निकलेंगी, मैं इधर रोड में। हरदोई में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेत पर बंद पड़े बोरवेल की 16 फीट गहराई में सफाई कर रहे किसान पिता पुत्र अचानक मिट्टी का मलबा खिसकने से दब गए, जिसमें 14 साल के किसान के बेटे की मौके पर ही दबकर मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया। यहाँ पर 12:10 दोपहर में जिसके अंदर उसका कारण जो है बोरवेल में गिरने के कारण बताया गया है। उसके साथ एम्बुलेंस से लाया गया था, उसके साथ लगभग 6-7 लोग थे। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय परिसर में टाइप सी आवास के पास मृत व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। विश्वविद्यालय के छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शव के करीब छात्रों को जाने की अनुमति नहीं दी। मिली जानकारी के अनुसार जिस प्रकार प्रशासन मामला दबाने में लगा है, उसे देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एक और जहां छात्रों को बिना आई कार्ड के देख विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है, ऐसे में परिसर के अंदर शव मिलना सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज रायबरेली पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले बकरा काट कर पकाने की विधि सीख रहे थे, जबकि सनातन संस्कृति में हम लोग जीव हत्या नहीं करते। साथ ही लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को ब्रजेश पाठक ने सुपर फ्लॉप गठबंधन बताया। रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिनेश सिंह जी जीत रहे हैं। यहाँ हमने जिस ढंग से जन सैलाब देखा रायबरेली की सड़कों पर, रायबरेली के लोगों का मानना है इस बार कांग्रेस को हम सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने जिस ढंग से राजनीतिक पर्यटन रायबरेली में मना रखा है, केवल पर्यटन करने के लिए लोग आ रहे हैं कांग्रेसी नेता, और कांग्रेस का देश की सांस्कृतिक विरासत से, संस्कृत से, कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। रायबरेली के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे और दिनेश सिंह जी को जिताएंगे। ये जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, जन जन की जीत है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जीत है। चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में जनता को संबोधित किया, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए उनको राम विरोधी बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा वाले कहते हैं राम मंदिर बेकार है, सपा वाले कभी किसी मस्जिद को बेकार क्यों नहीं कहने की हिम्मत रखते हैं। चौथे चरण के मतदान को लेकर के जो 13 मई को होना है, आज 11 मई की शाम से लगभग प्रचार प्रसार पर अंकुश लग जाएगा, और उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव की धरती पर एक हफ्ते के अंदर 2 बार पहुंचकर अच्छी महाराज के लिए जनता से वोट मांगने की अपील की और उनको भारी मतों जिताने की अपील की। और साक्षी महाराज 2 बार लगातार उन्नाव जनपद के सांसद जो कि रिकॉर्ड मतों जीतते आ रहे हैं। 3री बार वह कहा जा रहा है कि बाबा की बार 5 लाख पार, लेकिन वहीं सपा के द्वारा कहा जा रहा है कि बाबा आपकी गंगा पार। अब यह वाकई में समय तय करके 4 जून का कि साक्षी महाराज 5 लाख के पार जाते हैं या गंगा पार जाते हैं, या फिर अनुटंडन की जो वनवास 10 साल का है वो जीत से खत्म होगा, या फिर उनकी हैट्रिक हार से लगेगी और साक्षी महाराज की हैट्रिक जीत से लगेगी। योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव के रामलीला मैदान पहुंच करके समाजवादी पार्टी के नेताओं को करारा जवाब दिया, उनको घेरते हुए यह कहा गया राम विरोधी हैं, राकार्षियों को गोली चलवाने वाले व्यक्ति हैं, या कभी हिंदुत्व की वादी नहीं हो सकते, हिंदू बार नहीं सोच सकते। राम मंदिर को लेकर के उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर जो बनाया गया उसके राम गोपाल ने कहा था मंदिर बेकार बनाया गया, तो साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि कभी भी समाजवादी पार्टी नेताओं ने यह नहीं कहा कि मस्जिद बेकार बनाई गई, लेकिन राम मंदिर बता दिया कि राम मंदिर बेकार बनाया गया, क्योंकि आतंकवादों को पालन पोषण करने वाली सरकार थी, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला। वहीं बुलडोजर बाबा के स्वागत के लिए यहाँ पर कई बुलडोजर भी खड़े किया गया, कैमरामैन चाहे देखो कई बुलडोजर खड़े किए, जिस बुलडोजर से बाबा स्वागत किया गया था। अब विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद बाबा यहाँ से अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वह कानपुर देहात, कानपुर नगर, उसके बाद उन्नाव, उसके बाद में वाराणसी, बेगूसराय, इस तरह की जनसभाएं उनकी लगी हुई है। और जनता को यह भी अपील की कि आने वाली
13 मई को भारी से भारी संख्या में लोग मतदान करके सच्चे महाराज को बड़ी मतों से विजय बनाते हुए लोकसभा भेजने का काम करें। और 4 जून का समय तय करेगा कि वाकई में सच्चे महाराज जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर अनुरंजन की हार की हैट्रिक होती है या अनुरंजन बनवास करता है और सच्चे महाराज के हैट्रिक पर विराम लगता है, ये तो 4 जून का समय तय करेगा। आज की खबर के लिए भानु सिंह चंदेल, उन्नाव। जौनपुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा दुबे ने पार्टी छोड़ दी है। यहां से सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा का टिकट नहीं मिलने को लेकर ओम प्रकाश दुबे में नाराजगी थी, इस कारण उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि 2009 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रहते बाबा दुबे ने बसपा से नाता तोड़कर सपा का दामन थामा था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।